पीएम मोदी आज देश को करेंगे संबोधित, रात 8 बजे आकाशवाणी के जरिए देश को करेंगे संबोधित। 370 हटाने के विरोध में पाकिस्तान ने लाहौर में रोकी समझौता एक्सप्रेस, कश्मीर पर भारत के रुख से बौखलाया पाकिस्तान। अधीर रंजन का दूसरा सेल्फ गोल, कश्मीर की तुलना हिटलर के नाजी कैंप से की, इंटरनेट सस्पेंशन पर उठाए सवाल। अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट में तुरंत सुनवाई नहीं, याचिका की सुनवाई पर सीजीआई जारी करेंगे आदेश। कश्मीर में 370 का विरोध करने पहुंचे राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद, सरकार ने एयरपोर्ट से वापस भेजा। कश्मीरियों संग खाना खाने को लेकर आजाद का एनएसए अजीत डोभाल पर निशाना, बोले पैसा देकर किसी को भी साथ दे सकते हैं। गुलाम नबी आजाद के बयान से भड़की बीजेपी, पार्टी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन बोले आजाद पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, माफी मांगे। अयोध्या मामले को लेकर आज तीसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर पर मांगे सबूत, रामलला की तरफ से बहस। अखिलेश यादव की अगस्त क्रांति से पहले चाचा शिवपाल ने भरी हुंकार, 12 सूत्रीय मांगों को लेकर कर रहे प्रदर्शन। यूपी में 15 अगस्त के कार्यक्रमों के लिए मदरसों को जारी हुई एडवाइजरी, स्वतंत्रता दिवस पर झंडारोहण का आयोजन करने के दिए निर्देश। सोनभद्र में जमीन के विवाद में फिर हुआ बवाल, दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, एक पक्ष के 6 लोग हुए घायल। महाराष्ट्र में बाढ़ का कहर, संगाली में ग्रामीणों से भरी नाव पलटी, 9 की मौत, 16 लोगों को बचाया गया। मध्य प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ से हाहाकार, मौसम विभाग का जारी ऑरेंज अलर्ट, नदियों में उफान से सैकड़ों गांवों पर मंडराया खतरा। फरुखाबाद में गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी, तेजी से हो रही कटान, लोग पलायन करने को मजबूर। उन्नाव में जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष, युवक ने ली पड़ोसी युवक की जान, पुलिस मामले की जांच। मुरादाबाद में सवालों के घेरे में पुलिस की कार्रवाई, परिजनों को शव के अंतिम संस्कार को लेकर लगे आरोप। हापुड़ में सुषमा स्वराज की अस्थियों को गंगा में किया गया विसर्जित, पूजा पाठ के बाद बेटी ने अस्थियों का किया विसर्जन। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में चोरों ने ट्रेन में लूट की वारदात को दिया अंजाम, ट्रेन में बैठे यात्रियों पर फेंके पत्थर, पुलिस मामले की जांच में जुटी। दंतेवाड़ा में सेना के जवानों को मिली बड़ी सफलता, एक इनामी समेत 2 नक्सली गिरफ्तार, मौके से एसएलआर और जिंदा कारतूस किए बरामद। उत्तराखंड में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का विरोध, विपक्ष ने डीएम के जरिए राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन, सरकार के फैसले को बताया गलत। जम्मू कश्मीर पर फैसले के बाद उत्तराखंड में अलर्ट, कश्मीरी छात्र छात्राओं की बढ़ाई गई सुरक्षा, सोशल मीडिया पर पुलिस की पैनी नजर। शर्मसार हुई धर्मनगरी हरिद्वार, वात्सल्य वाटिका छात्रावास में छात्र से दुष्कर्म, नाबालिग छात्र ने सुनाई आपबीती। बागेश्वर में सड़क की आस में बूढ़ी हो गई आंखें, गांव में न सड़क न स्कूल, ग्रामीणों की समस्याओं को सुनने को कोई तैयार नहीं। अफ्रीका चोटी फतह कर लौटी देवयानी से इम्बाल, उत्तरकाशी में स्थानीय लोगों ने ढोल नगाड़े के साथ किया जोरदार स्वागत। टी20 के बाद अब वनडे की बारी, भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला वनडे मैच आज, जीतने से आगाज पर रहेगी दोनों टीमों की नजर।